गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम हमारे ह्यूमन के इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्किन देख लिया था। हमने कहा स्किन के दो पार्ट होते हैं, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। तो हमने एपिडर्मिस के बारे में भी स्टडी कर लिया है और हमने डर्मिस के बारे में भी स्टडी कर लिया है। अब हम आगे जो बात करेंगे वो क्या है, स्किन के डेरिवेटिव्स के बारे में, यानी कि स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, उसे हमने क्या बोल दिया है, स्किन डेरिवेटिव्स। अब स्किन डेरिवेटिव्स में हम मेनली टू डेरिवेटिव्स को इंक्लूड करेंगे। इसमें पहला तो हम बात करेंगे हेयर्स की और सेकंड हम बात करेंगे स्किन ग्लैंड्स की। जो स्किन ग्लैंड्स हैं एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जब हम स्किन ग्लैंड्स देखेंगे तब हम इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, हेयर की। तो देखिए हेयर क्या है, आपके कैरेटक स्टिक है किसके, मैमल्स के। हेयर्स की प्रेजेंस किसका फीचर है, ये आपके मैमल्स का फीचर है। तो किसमें होंगे, प्रेजेंट इन मैमल्स। तो हेयर्स आर प्रेजेंट इन मैमल्स और ये मैमल्स का ही आपका क्या स्पेशल फीचर होता है। अब जो ये हेयर है ये कहाँ से आपके ओरिजिनेट होंगे, कहाँ से होंगे, ये एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस का जो मेल्पी की लेयर है, उस मेल्पी की लेयर से हेयर का ओरिजिन होता है। अब हम हेयर के कुछ पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि जो हेयर का जो कंपोजिशन है उसमें मेनली आपके चार स्ट्रक्चर पाई जाती है। वो स्ट्रक्चर कौन कौन से, देखिए ये हम एक हेयर की स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा हेयर, हमें पता है कि हेयर का ओरिजिन कहाँ से होता है, एपिडर्मिस से। लेकिन जो इसका मेन पार्ट है, जो फॉलिकुलर पार्ट है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका डर्मिस में। अब हेयर के स्ट्रक्चर में भी आपके पास फोर पार्ट्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बेसल पार्ट है जो डर्मिस में प्रेजेंट होता है, इसे हमने क्या कह दिया है, हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल, देखिए हेयर के स्ट्रक्चर का जो बेसल पार्ट है जो कि आपके डर्मिस में क्या होता है, संक होता है, उसमें धंसा हुआ होता है, उसे हमने क्या बोल दिया, हेयर फॉलिकल। ये क्या आपका एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो कौन सा हो गया, हेयर फॉलिकल। ये हेयर का बैग लाइक स्ट्रक्चर है और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर वो कहाँ आपको होता है, आपका डर्मिस में प्रेजेंट होता है। अब इस हेयर फॉलिकल में अपने पास कुछ डिवीजन करने वाली सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, कुछ लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि डिवीजन करेगी और डिवीजन करके क्या करती है, आपकी हेयर की लेंथ को ग्रो करती है। इन्हें हम क्या बोल देंगे, हेयर रूट। इन्हें क्या बोल दिया जाता है, हेयर रूट। तो हेयर रूट में क्या होंगी, लिविंग डिवीजन करने वाली सेल्स क्या होंगी, यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पे डिवीजन होगा, ऑफकोर्स होगा। तो सबसे पहले बात की हमने हेयर फॉलिकल की, कि बैग लाइक स्ट्रक्चर है। अब इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में कुछ आपकी लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती है जिनके पास डिवीजन करने की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, इसे हमने क्या बोल दिया है, हेयर रूट। ये आपके बल्ब में प्रेजेंट होती है और इसी हेयर रूट में डिवीजन से क्या हो जाएगा, आपकी हेयर की जो लेंथ है वो क्या होता है, आपका इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे, अब जब हमारे पास सेल्स, लिविंग सेल्स है और डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होगी। सेल्स को डिवीजन करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, वो जब यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट करेंगी। तो हेयर के फॉलिकल में जहाँ जहाँ से ब्लड की जो वेसल्स है वो प्रेजेंट करती है, एंटर करती है, यहाँ पे एक पिट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस पिट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, हेयर पैपिला। तो थर्ड स्ट्रक्चर क्या हो गई, देखिए यहाँ पे हेयर पैपिला। क्या कहा हमने हेयर पैपिला को, कि हेयर का जो बेसल पार्ट है जिसमें से ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज और साथ ही साथ नर्व्स यहाँ से जहाँ से एंटर करती है, वहाँ पे क्या होगा, आपके एक पिट लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसे हमने क्या बोल दिया, हेयर पैपिला, इसे बोल दिया है। क्लियर हुआ,
यह हेयर पेपिला से, इस हेयर पेपिला से जितनी भी ब्लड वेसल्स एंटर करती है वो क्या करती है, आपके हेयर रूट को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। अब देखिए, हेयर का जो आउटर पार्ट जो हमें विजिबल होता है, जिसकी लेंथ इंक्रीज होती है, इस पार्ट को हमने क्या बोल दिया है, हेयर शाफ्ट। क्या बोल देंगे इसे, हेयर शाफ्ट। अब जब हम हेयर शाफ्ट की बात करते हैं तो हेयर शाफ्ट में भी हमारे पास थ्री डिविजन्स होते हैं या थ्री पार्ट्स होते हैं। देखिए, हेयर शाफ्ट में जो सबसे आउटर जो लेयर है, हेयर शाफ्ट की सबसे आउटर लेयर, और आउटर लेयर किसे, इसे क्या बोल देंगे हम, क्यूटिकल। हेयर शाफ्ट की जो अभी हमने जो बनाया सबसे आउटर लेयर, इस आउटर लेयर क्या बोल दिया हमने, क्यूटिकल बोल दिया है। और जो ये आउटर मोस्ट पार्ट है कैसा है, बहुत ही थिन है। और कैसी है ये, यूनिसेलुलर। इसकी थिकनेस कैसी है, यूनिसेलुलर थिकनेस। यह आपको बालों को हीट से या अदर जितने भी आउटर जितने भी आपके पॉल्यूशन वगैरह उससे प्रोटेक्शन देने का काम करती है। अब जो देखिए हेयर का जो मिडल वाला पार्ट है, जो हेयर की एक्सिस बनाता है, हेयर का जो मेन मिडल वाला पार्ट है, इसे हम क्या बोल देंगे, मेडुला। क्या बनाएगा ये, हेयर की एक्सिस को फॉर्म करने का काम करता है। अब आपके लेकर के देखिए, ये हमारे पास हेयर की स्ट्रक्चर थी, इसमें ये हमारे पास क्या हो गया, मेडुला। तो ये जो बीच वाला पार्ट है, जो थोड़ा थिक पार्ट होता है, इस पार्ट को हमने क्या बोल दिया, कॉर्टेक्स। इस वाले पार्ट को क्या बोल दिया हमने, कॉर्टेक्स। अब देखिए, जो कॉर्टेक्स है वो क्या आपका मिडिल लेयर है, और इसमें सेवरल लेयर्स होती है। थिकनेस कैसी हो जाएगी इसकी, सेवरल लेयर्स की। इसी में हमारे पास हेयर को कलर देने के लिए कुछ पिगमेंटेड सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो कि हेयर को पिगमेंटेशन देने का यानी कि कलर देने का काम करती है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो गया आपके कॉर्टेक्स वाले पार्ट में, पिगमेंटेड पार्टिकल्स। तो देखिए, हमने क्या कहा, हम हेयर के स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे थे, और हेयर किसका फीचर है आपके, मैमल्स का फीचर है। मैमल्स में ही आपके हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हेयर का जो फॉर्मेशन है वो एपिडर्मिस के मेल्पी की लेयर्स में होता है। अब देखिए, यहाँ पे हेयर में मेनली फोर स्ट्रक्चर पाई जाती है। जो हेयर का बेस है वो बैकलाइक स्ट्रक्चर का बना होता है, जिसे हमने क्या बोल दिया है, हेयर फॉलिकल। कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके डर्मिस वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। आप इसे बैकलाइक पार्ट बोल दीजिए, चाहे बल्ब लाइक पार्ट इसमें बोल दीजिए। अब ये जो हेयर फॉलिकल है, इसमें कुछ डिवीजन करने वाली सेल्स प्रेजेंट होती है, जो ये कंटिन्यू डिवीजन करेगी और आपकी हेयर की लेंथ में क्या कर देंगी, ये इंक्रीज कर देंगी। तो इन जो लिविंग और डिवीजन करने वाली जो सेल्स है, उन्हें हमने क्या बोल दिया है, हेयर रूट हमने बोल दिया है। अब इस हेयर रूट में डिवीजन करने के लिए कुछ ब्लड वेसल्स एंटर करेंगे, कुछ लिम्फ्स एंटर करेंगे। तो इस वाले पार्ट को हमने क्या बोल दिया, हेयर पेपिला। और लास्ट जो हेयर का पार्ट आपको दिखाई देता है, उसे हमने क्या बोल दिया है, हेयर शाफ्ट, जिसमें क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स में पिगमेंटेड पार्टिकल्स होते हैं, यही पिगमेंटेड पार्टिकल्स हेयर को कलर देने का काम करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ मसल्स होती है, ये मसल्स आपके हेयर के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इन मसल्स को हम क्या बोलेंगे, जो हेयर्स में मसल्स प्रेजेंट होती है, इन मसल्स को कहा जाता है एरेक्टर पिलाई मसल्स, एरेक्टर पिलाई मसल्स। तो देखिए क्या होता है एरेक्टर पिलाई मसल्स, ये आपकी स्पेशल मसल्स हैं। दीज आर द स्पेशल मसल्स प्रेजेंट इन हेयर, और किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, आपके हेयर के मूवमेंट के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल फॉर हेयर मूवमेंट। किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, आपके हेयर के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। देखिए, जब इसमें मूवमेंट होगा, जब इसमें जो ये आपके मसल्स हैं, ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो उससे क्या हो जाएगा, आपके हेयर का मूवमेंट हो जाएगा। तो जिसे हम बोलते हैं गूस फ्लैश, क्या बोल देंगे इसे हम, गूस फ्लैश। जो हेयर का मूवमेंट है
विंटर्स में बाल खड़े हो जाते हैं तो किसके कारण होंगे, वो आपके गूज फ्लैश, आपके एरेक्टोप्लाई मसल्स के कारण होते हैं। इसी के साथ साथ ये मसल्स हैं ये आपके नर्व फाइबर से भी कनेक्ट होती है, और किससे कनेक्ट होंगी, ये नर्व फाइबर से भी कनेक्ट होती है। यहाँ पे हम एक स्पेशल पॉइंट के बारे में और देख लेते हैं। देखिए, हेयर के रूट्स के पास एक स्पेशल हेयर ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इस हेयर ग्लैंड को क्या नाम है इस हेयर ग्लैंड का, इसे हम बोलते हैं सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड, ये जो सिबेशियस ग्लैंड है इसे हम ऑयल ग्लैंड्स पे बोलेंगे, और ये जो ऑयल ग्लैंड्स हैं ये आपकी हेयर की रूट के पास प्रेजेंट होती है, और ये आपके हेयर को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। इसी के साथ साथ देखिए, जो सिबेशियस जो ग्लैंड्स हैं ये ग्लैंड्स क्या करेंगे, सीबम का सिक्रेशन करती है, और ये ही सीबम क्या करेगा, आपके हेयर को स्मूथ बनाए रखने का काम करता है। तो आज के लिए इतना ही, आज हमने हेयर की स्ट्रक्चर देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन ग्लैंड्स की हम बात करेंगे। क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।